हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक और एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज, पर हम यूपी का ही अभी कॉलेज कवर कर रहे हैं। माइनॉरिटी कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी, एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा। आगरा टूंडला रोड पर ये कॉलेज बना हुआ है, माइनॉरिटी कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी। इसमें आपका ये है कि जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं पहले उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, चाहे उनका स्कोर कम भी है तो उनको पहले कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद अदर स्टूडेंट्स को ये कॉलेज मिलेगा। तो कॉलेज की वीडियो को पूरा डिस्कस करते हैं, कॉलेज कैसा है, कैसी ओपीडी है, कैसा हॉस्पिटल है, क्या लास्ट ईयर कट ऑफ थी, इस साल क्या कट ऑफ रहने वाली है, और क्या फीस स्ट्रक्चर अभी 2024-25 के लिए, क्या सेशन के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर आया है, पूरा हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। 2014 में कॉलेज स्टेब्लिश हुआ है, बन के रेडी हुआ है, और माइनॉरिटी कॉलेज है, एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा में ये पढ़ता है। अफिलेटेड है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से और अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड है एनएमसी एनएमसीआई से। 150 एमबीबीएस की इनके पास इनटेक है और ये पीजी भी रन करते हैं, एमएसएमडी भी। और अभी हम इस वीडियो में एमबीबीएस को कवर करेंगे और मेरी आने वाली वीडियोस में आपको एमएसएमडी की भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एफएच मेडिकल कॉलेज की। कॉलेज से एसोसिएटेड आपको बता देती हूँ, एमएसएमडी की सीटें, एमडी 31 है इनके पास और एमएस 17 सीट्स हैं, और एमबीबीएस की 150 इनटेक है। और हॉस्पिटल जो अटैच है इसे, एफएच का ही मेडिकल हॉस्पिटल है, और 2012 में हॉस्पिटल बन गया था, आपको मैंने पहले ही बताया। कॉलेज से पहले हॉस्पिटल बन जाता है, 2-3 साल से रन हो रहा होता है तभी कॉलेज को अप्रूवल मिलता है। और नंबर ऑफ बेड्स, टीचिंग बेड्स है 595 वहाँ पे, और अदर जो बेड्स है 181 है, तो टोटल बेडेड हॉस्पिटल हो गया आपका 776, मतलब 700+ बेडेड हॉस्पिटल है एफएच का। और इसकी ओपीडी भी पर डे की अच्छी है, बिकॉज आगरा में अच्छा कॉलेज है ये, ओपीडी भी आपको इसको 1000, 1200, 1500 या डेज पे डिपेंड करता है और डिपार्टमेंट्स पे डिपेंड करता है, तो अच्छी ओपीडी पर डे की चली जाती है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में सारी फैसिलिटीज़ होती है तभी इन्हें अप्रूवल मिलता है। स्पोर्ट्स एरिया से लेके क्रिकेट, बास्केटबॉल, जिम, इंडोर गेम्स भी है, टीटी वगैरह, पूल वगैरह, और आपका वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, और सेंट्रल लाइब्रेरी है प्रॉपर, ऑडिटोरियम्स बने हुए हैं, लेक्चर थिएटर्स बने हुए हैं, सारे फैसिलिटीज़ हैं जो एक प्राइवेट कॉलेज में होती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि प्राइवेट कॉलेज में ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि फीस भी वो इतनी लेते हैं। बात करते हैं कि क्या ड्रेस कोड है वहाँ पे। बॉयज़ के लिए देखो ट्राउज़र एंड शर्ट है विद आपका एप्रन जो और आपको मिलता है आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, और उसके बाद गर्ल्स के लिए सलवार सूट है, और विंटर्स की अलग है और समर्स की अलग है, पर ड्रेस है वहाँ पे, आपको बता दूँ ऑलमोस्ट कॉलेजेस में ड्रेस है। ये चीज़ें भी आपको बता दूँ कि बच्चों को लगता है कि ड्रेस नहीं, ऑलमोस्ट कॉलेजेस में ड्रेस होती ही है। फीस की बात करें हम तो 2024-25 के सेशन के लिए इनकी फ़ीस है 16,50,000 रुपये, ट्यूशन फ़ी है पर ईयर, क्योंकि जो स्टेट के कॉलेजेस होते हैं यूपी के उनकी फ़ीस अलग होती है, जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं इनकी फीस अलग है। हॉस्टल जो है वो 2.5 लाख से स्टार्ट है इनका, नॉन एसी डबल सीटिंग विद मेस, और 3 लाख का है एसी डबल सीटिंग विद मेस, और 3.5 लाख का है एसी सिंगल सीटेड विद मेस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हॉस्टल आपका पार्ट है, कि आपको हॉस्टल कैसा लेना है कैसा नहीं लेना है, पर जो हॉस्टल यहाँ स्टार्ट है वो 2.5 लाख से स्टार्ट है, 2.5 लाख का है, 3 लाख का है, 3.5 लाख का है, डबल सीटिंग, सिंगल सीटर, वॉशरूम अटैच विदाउट वॉशरूम, ये सब चीज़ें। और मेस का 85,000 पर ईयर जाता है जो और कॉलेजेस में जाता है, 3 लाख रुपए सिक्योरिटी जाती है रिफंडेबल। आपको कुछ और भी पूछना है एफएच के बारे में या कोई और कॉलेज के बारे में, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन एरिया में गूगल फॉर्म अटैच है, नेम और आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। और कोई कॉलेज की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए, बिकॉज काउंसलिंग चल रही है, टाइम नहीं है, चॉइस फिलिंग आप लोगों को करनी है, तो कोई भी कॉलेज की अगर वीडियो चाहिए इंफॉर्मेटिव पूरी, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। लास्ट ईयर की बात करते हैं कट ऑफ की, तो लास्ट ईयर जो माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स थे उनकी कट ऑफ गई थी फर्स्ट राउंड में 117, उनकी कट ऑफ कम जाती, मैंने आपको बताया, सेकेंड राउंड में 201, और नॉर्मल स्टूडेंट्स जो नॉर्मल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 200 और सेकेंड राउंड में 333, बट इस साल कट ऑफ हाई जाएगी बिकॉज इस स्कोर पे जो रैंक थी वो बहुत डिफरेंस थी, अब 4 टाइम रैंक हाई हो रही है तो इस साल कट ऑफ बहुत हाई जाएगी,
और आपको मैं पहले ही बता रही हूँ, आप कॉलेज सिलेक्शन करें तो बहुत सोच समझ के करें। जो कॉलेज मिलेगा आपको फर्स्ट राउंड में मिलेगा, उसके बाद सेकंड और थर्ड राउंड में कट ऑफ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इन चीज़ों को सोच के अपने आगे की सारी चीज़ें करें। अगर आपका यूपी में नहीं हो रहा तो आपको अगर इस साल एमबीबीएस करनी ही करनी है तो अदर स्टेट्स के भी ऑप्शन लेके आप चले, बिकॉज काउंसलिंग सारी एक साथ हो रही है सारी स्टेट्स की, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मेरा काम आपको समझाना है, और अगर कोई डाउट है क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं थैंक यू सो मच, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।